आज की वीडियो में मैं अपने माइनक्राफ्ट को कुछ ऐसे से ऐसा और माइनक्राफ्ट में माइनक्राफ्ट का वीडियो जो है बिल्कुल रीसेंट भाई बोरिंग होता है और उसको मैं बनाऊंगा ऐसे से ऐसा। तो आज की वीडियो तो बहुत क्रेजी होने वाली है, मैं कुछ काम साइड में रख के पहले वीडियो स्टार्ट कर। तो आ गए हम अपने वर्ल्ड में भाई। सबसे पहले हम पेपर नहीं शुगर किन ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास अभी रॉकेट ख़त्म हो गए और ये वाला फार्म बहुत स्लो वर्क करता है। ये आ गया हमारे बेस में, यहाँ से पहले पेपर बना लेते हैं। ये बन गए पेपर, शुगर, गन पाउडर। गन पाउडर मेरे जेब में ही पड़ा है भाई, मैं भूल गया। ये बनाए थोड़े रॉकेट, गन पाउडर भाई चाहिए होगा और चाहिए होगा। गन पाउडर, गन पाउडर, ये रहा गन पाउडर। एक स्टैक ले लेते हैं, भी रखते हैं पेपर। ये फिर से रखा गन पाउडर और ये बन गए हमारे। और अभी एक और बना लेता हूँ, अभी यहाँ से चलते हैं। मैं वो लोकेशन दिखा देता हूँ जहाँ पे मेरे को विलेज अपग्रेड करना है। ये वाला अपना विलेज है, इसको ही हमें अपग्रेड करना है। ये ऊपर से सारी पहाड़ी में बिल्कुल तोड़ दूँगा क्योंकि इतना ऊपर विलेज हमारा सही नहीं लग रहा। सबसे ख़राब चीज़ यही है विलेज की, इस पूरी पहाड़ी को ही हमें चूमंतर करना होगा, ची टपाक डमडम करना होगा। तो लग जाते हैं भाई मजदूरी में, लगना पड़ेगा जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से मजदूरी में लग जाते हैं। आखिरी सांसें गिर रही थी, इसको भाई रिवाइव करने के लिए थोड़े डायमंड ले लेते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है एक्सी फार्म में जाके खड़े होने का, इसलिए इसको अभी रिवाइव कर लेते हैं डायमंड से ही। भाई कितने डायमंड? ओ भाई 3 डायमंड, कोई बात नहीं, अपनी पिकेक ने अपना बहुत साथ दिया। 3 डायमंड खर्च कर लेते भाई, इसका ट्रीटमेंट कर लेते, इसको रिवाइव कर लेते वरना ये डेड हो जाएगी। ये हो गई अपनी पिकेक रिवाइव। डायमंड कैसे लगते हैं? अभी छिलते हैं फिर से यार, मजदूरी करनी पड़ेगी, मजदूरी तो करनी पड़ेगी। चलो भाई फिर से मजदूरी करते हैं।
ख़त्म करने के बाद मेरे पास बहुत डर्ट जमा हो गई। सारी डर्ट को पहले इसमें जमा कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे को डर्ट बहुत जगह पे लगानी भी है, क्योंकि भाई कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे स्टोन नज़र आ रहे हैं और स्टोन भाई अच्छे नहीं लगते। मैं दिखा दूँ ना आपको कहाँ कहाँ पे स्टोन नज़र आते हैं, मैं वहाँ पे सारी डर्ट फिल कर दूँगा। यहाँ पे जो स्टोन नज़र आ रहे हैं ना, मेरे को बहुत अजीब लग रहे हैं। जहाँ से मैं स्टेयर बना के पूरी डर्ट फिल कर दूँगा तो लग जाते हैं फिर से मजदूर पे। और राइट गाइस, इसी के साथ हमारी यहाँ पे मजदूरी ख़त्म होने वाली है। बस यार जहाँ जहाँ स्टोन दिख रहे थे वहाँ वहाँ मैंने भाई हर जगह मैंने डर्ट लगा दिए। अभी दिख के रहेगा है स्टोन, बस थोड़ी जगह बचा है उसको भी मैं जल्दी से फिल कर लूँ। अरे बहुत टाइम लगा है इसको करने में भी, 15 मिनट तो लग गए। अबे यार एक तो इन लोगों को पता नहीं क्यों यहाँ पे खड़े हैं, भग जाओ यहाँ पे। पता नहीं कब से ये हाँ हाँ करते रहे, मेरा सर खार देते ले जाओ। और यहाँ पे हमारा हो गया काम डन। अभी यार बिल्ड करना भाई स्टार्ट कर लेता हूँ, उसके पहले भाई रिसोर्सेज तो जमा कर लूँ, सारे रिसोर्सेज जमा कर लेता हूँ पहले। ऑलराइट भाई, मैंने सारे रिसोर्सेज जमा कर लिए। अभी आप पूछोगे वीडियो भी नहीं दिखाई, भाई इतना बोरिंग काम मैं कभी नहीं दिखाऊंगा भाई। इतनी देर लगी है मेरे को ये रिसोर्सेज जमा करने में, और नहीं वीडियो तो हो जाती तकरीबन घंटे की। अरे हो गया तो हो गया भाई, अभी सारे रिसोर्सेज जमा कर लिए, फिर बस थोड़े से और वुड चाहिए, वुड लेके आ जाता हूँ पहले। रखे हैं वुड, ये पड़े हैं सामने वुड, लॉग ले लेता हूँ कुछ। अभी फिर से चलते हैं, अभी बिल्ड करना शुरू कर लेते हैं। अभी चलते हैं बिल्ड करते हैं भाई जल्दी, वीडियो बहुत लंबी हो रही है।
सब कुछ करने के बाद हमारा पूरा विलेज तैयार हो जाता है। अभी मेरे को बस एक साइन बोर्ड बनाना है, वो क्यों बनाना है वो को पता चल जाएगा। अभी बस एक साइन बोर्ड बनाना है कि यार हमारा विलेज कंप्लीट हो चुका है। इसी खुशी में भाई तुम लोग लाइक करके सब्सक्राइब कर लो। और यार 6 सितंबर को मतलब कल मेरी बर्थडे, मेरे को बर्थडे गिफ्ट में सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। हर बंदा 1 सब्सक्राइब करते बर्थडे गिफ्ट में। और मेरे को इस वीडियो बनाने में तकरीबन 80 घंटे लगे हैं। बस 80 लाइक का एम रखा है और 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, 80 लाइक हो जाएंगे तो भाई अगली वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी हार्डकोर की, हार्डकोर मोड की। और यहाँ पे तुम लोगों के एक स्पेशल चीज़ है, ये लो समझ जाओ क्या है। यहाँ पे तुम समझ गए क्या ही मैंने लिख लिया, छीन टपा के डम डम। और बस 80 घंटे लगे हैं, 80 लाइक का एम है हमारा, 80 लाइक करवा दो, बस 1000 सब्सक्राइबर करवा दो। ऊपर से हमारा विलेज कितना ऑसम लग रहा है भाई साहब, ये हमारा विलेज बहुत तगड़ा लग रहा है। इस विलेज का, इस वर्ल्ड का नाम मैंने एक सोच लिया है, वो तुम लोग खुद ही देख लो। हमारे वर्ल्ड का नाम होने वाला है डीपू। भाई खुश सलाम है, डीपू नाम बहुत अच्छा है भाई, मेरे को ऐसे ही सजेस्ट हुआ, मैं डीपू नाम रख लिया मैंने डीपू नाम। हमारे वर्ल्ड का नाम हो गया डीपू। और इस डीपू वर्ल्ड में मैं बहुत कुछ करूँगा, अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें फ्यूचर में, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।